प्रोग्राम बनाया था वो पीसफुल प्रोटेस्ट था। आप जानते हो कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो एक ड्राफ्ट तैयार किया था 6 जम्मू के लिए और 1 कश्मीर के लिए, जो सरासर नाइंसाफी है। अक्सर आज तक ये रवायत भी और यही आयीन भी है कि आबादी के लिहाज से अपने अपने एरिया को शेयर मिलेगा, जिससे कश्मीर को 5 सीटें मिलती थी और जम्मू को 2। इसलिए आज हम प्रोटेस्ट करते थे, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट रखा था। बदकिस्मती से पुलिस ने हर तरह घेरा किया, हमारे लीडरों को घरों में बंद किया, हमारे कारकुनों को यहाँ तक आने की इजाज़त नहीं दी गई। बड़गाम में भी कारकुनों को बंद किया गया, यहाँ से पुलवामा में भी कारकुनों को बंद, साउथ कश्मीर में इसी तरह नॉर्थ कश्मीर में भी, और कुछ लोग जो यहाँ पहुँचे उनको भी तितर बितर कर दिया। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक न डिलिमिटेशन फैसले को असर न देखे, तब तक हम प्रोटेस्ट जारी करेंगे। मौका आता है कि फिर इन सब आवाज़ों को दबाना मुश्किल हो जाता है। आगे क्या मेरा ये कहना आपसे बड़ा कबलस वक्त होगा, जब तक हमारे लीडरान बाहर ना आए, उमर साहब बंद हैं, डॉक्टर साहब को अवसर रखा है, हमारे अपने जनसेकी साहब नहीं पहुंच पाए, मेरे जूनियर साथी नहीं पहुंच पाए। मैं शुक्रगुजार हूँ उन साथियों का जिन्होंने पता नहीं कैसे कोशिश करके यहाँ तक ही आए हैं। मुझे मुश्किल से आप सुबह से मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब यहाँ आके पहुँचा हूँ आपके सामने। एडमिनिस्ट्रेशन से अगर पूछा जाए इसके बाद आपको जो प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, उनका ये रीज़न रह सकता है कि कोविड के हवाले से हमने नहीं करने दिया, तो क्या आप उनकी तर्जमानी क्यों करते हैं, वो अपना जवाब खुद। ये तो एक गैर मुनसफाना फैसला है रियासी एडमिनिस्ट्रेशन का। हमारे पार्टी के लीडर जो हैं, जिसमें जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, उमर अब्दुल्ला साहब हैं, महबूबा मुफ्ती जी हैं, तारिक अहमद साहब, उन सबों को हम से अरेस्ट किया गया है। और कश्मीर के जो मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग आने वाले थे उनको कहीं रास्तों पर पकड़ लिया है, कहीं कईयों को जो दफ्तर पहुँच गए थे उनको दफ्तर में बंद किया गया है। तो अंदर न दफ्तर जाने देते हैं, न जो वेन्यू जो है जो हमारा प्रोटेस्ट का था जहाँ से हमें निकलना था उसको सारे बैरिकेडिंग किया गया है और उधर भी जाने किसी को नहीं देते हैं। है देखो, प्रोटेस्ट करने का हर एक को आईनी हक है। हम विदिन जो रूल्स, विदिन जो नॉर्म्स हैं, हम उसी तरीके से निकले थे, पुरमन तरीके से अपना एहतजाज दर्ज करेंगे। ये जो ये फैसला किया गया, ये गैर मुनसफाना जो फैसला किया गया उसके खिलाफ, जो डिलिमिटेशन का जो फैसला है, 6 सीटें उन्होंने जम्मू रीजन को दे दी, 1 सीट कश्मीर रीजन को दे दी, टोटली 62 है ये। इसमें कोई तवाजुन नहीं रखा गया है न पॉपुलेशन का, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो कश्मीर रीजन की है 12 लाख जम्मू रीजन से ज़्यादा है। लेकिन इसके बरक्स भी जो फैसला ये डिलिमिटेशन का कमीशन का है, वो तो बीजेपी का जो एजेंडा है उसी को आगे चला रहे हैं। ये कोई मतलब ऐसा फैसला नहीं है जो हक की बुनियाद पर हो, ये बीजेपी का एक एजेंडा था, उसी को आगे चला है। वही डिलिमिटेशन कमीशन ने भी फैसला, उसी के खिलाफ आज ये प्रोटेस्ट होने जा रहा था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो इसके साथ इत्तेहादी पार्टियां हैं पीएचडी के बैनर के तले, हम सबों ने ये फैसला किया था इसके खिलाफ हम एक प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे पुरमन। लेकिन अब पुरमन प्रोटेस्ट करने की भी कोई इजाज़त नहीं देता है, यही आईन है यहाँ पर, यही डेमोक्रेसी है, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को चला रहे हैं।